सुबह के 9 बज रहे हैं और हम इस वक्त खड़े हुए हैं चौपटा में। और जैसे कि मैंने रात को भी बताया था कि हमने रात को यहाँ चौपटा में स्टे किया था, तो अब हम श्री तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा तुंगनाथ, जय भोले शंकर। दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर समुंदर तल से 3680 मीटर की हाइट पर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। दोस्तों, ये मंदिर 5000 साल पहले पांडवों द्वारा बनाया गया था। महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने भाई बंधुओं और गुरु का वध करने के उपरांत आत्मग्लानि से बचने के लिए गुरु व्यास जी के सलाह से वो शंकर जी की तपस्या करने लगे, जिससे उनको इस श्राप से मुक्ति मिल सके। लेकिन भगवान शंकर उनके इस कृत्य से बहुत ज़्यादा नाराज थे और उनको माफ़ी नहीं देना चाहते थे। पांडवों ने भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उनका पीछा किया तो भगवान शंकर गुप्त काशी में जाकर गुप्त हो गए, पर पांडवों ने वहां भी उनको पहचान कर उनका पीछा किया। तत्पश्चात भगवान शंकर जी ने केदारनाथ में एक विशाल काय बैल का रूप धारण किया। तब भी पांडवों ने भगवान शंकर को पहचान कर उनको स्पर्श करने का प्रयास किया, तब जाकर भगवान शंकर ने अपने आप को 5 भागों में विभाजित कर लिया, जिसको हम पंच केदार के नाम से जानते हैं, जिसमें तीसरे केदार के रूप में तुंगनाथ जी की पूजा की जाती है। तुंगनाथ में भगवान शंकर के हृदय और बाहु की पूजा होती है। चौपटा से तुंगनाथ की दूरी 3.5 किलोमीटर की है, जो कि पैदल ही तय करनी पड़ती है। मंदिर में पुजारी मक्कू मठ गांव के स्थानीय मठानी ब्राह्मण हैं। जय भोलेनाथ। देखिए दोस्तों, श्रद्धालु कैसे शंकर जी का नाम लेते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ के मौसम का हाल। देखो दोस्तों, हम कितनी हाइट पे आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर ही आ गए हों। यहाँ का वेदर दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ की सुंदरता के कारण इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। जय महादेव। देखिए दोस्तों, हम कितनी ज़्यादा हाइट पर आ चुके हैं, सब तरफ धुंध ही धुंध पड़ी हुई है। ये ऊपर को श्रद्धालु जाते हुए और कुछ श्रद्धालु वापस आते हुए, ये रास्ते में हमको एक मंदिर मिला। दोस्तों, ये आकाश कुंड है, यहाँ से भी गंगा और जमुना जी की धारा निकलती है।
जय महादेव। दोस्तों, हम तुंगनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं। आइए आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। जय माता दी। ये दोस्तों लाइन लगी हुई है। नीचे का व्यू ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर आ गए हों। जय भोलेनाथ। अरे ये क्या है भाई, कभी बाहर जा रहे हैं पड़ता है। ठीक है, बना बना नहीं तो उनको नहीं पड़ा सकता। पहले बहुत दोस्तों मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम आपको मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करवा पाएंगे। जय भोलेनाथ। सारी पूजाएं बाबू जी बाहर संपन्न हो जाएगी। दोस्तों यह महानंदा पार्वती जी का मंदिर है। दोस्तों आप भी यहां के दर्शन कीजिए। जय पार्वती मैया। चलिए माता जी, ये अन्नदान सेवा है, इसे अन्नदान सेवा है। आप गोभी भेंट देना चाहते हैं, गोभी सेवा करते हैं,
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई लोकेशन पे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।